नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव को लिटमस टेस्ट कहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर पद के साझा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए हैं। इसकी वजह है कि 36 मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया था। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इस मामले में आप और कांग्रेस की ओर से वकील फेरी सोफत ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई होगी। देखिए, आज कोर्ट में मेंशनिंग की थी और रिट फाइल करने के लिए, तो कोर्ट ने वो मेंशनिंग अलाउ करते हुए केस की सुनवाई कल के लिए रखी है। तो वो जो अभी हमने फाइल किया है केस, क्या कुछ उसमें पिटीशन में डाला गया है, क्या कुछ बताया? जो आज डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो आज बीजेपी ने किया है, मतलब पूरा देश आज इस चीज को देख रहा था, तो वो सारा प्रोसेस हमने जिस तरीके से इन्होंने फ्रॉडुलेंटली इलीगली जिस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की है, मतलब लाइव टेलीकास्ट मीडिया में जब हो रहा था, तो उस सारे प्रोसेस को हमने चैलेंज किया इस रिट के अंदर कि, और साथ में हमने प्रॉपर प्रूफ्स वगैरह साथ में लगाए हैं, और इसके साथ ही हमने जो वीडियोग्राफी के ऑर्डर हाईकोर्ट ने किए गए थे कि वो सारी जो वीडियोग्राफी है उसको प्रिजर्व करने के लिए और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने प्रेयर की है। पिछली बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया डायरेक्शंस के अनुसार सारे इलेक्शन हुए आज, तो कुछ कोर्ट की कोई अवमानना भी हुई है किसी डायरेक्शन की जो आज इलेक्शन है? देखिये, कोर्ट की तरफ से सबसे मेजर जो डायरेक्शन थी वो थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज आपने देखा जिस तरीके से जब वोट काउंट किए जा रहे थे, सबसे पहला प्रोसेस जो था कि इलेक्शन एजेंट, जो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, हमने देखा भी वीडियो में देखा भी कि बोल रहे हैं कि हाँ ये एजेंट अपॉइंट किए गए हैं, और जो प्रोसेस होता है, जो यूज, जो जिस तरीके से काउंटिंग की जाती है कि अगर किसी भी वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन आती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो वो पहले जो एजेंट्स हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं उनको दिखाते हैं कि ये इसमें इनवैलिड, ये एक ऑब्जेक्शन है, और फिर उसके बाद ही उस चीज के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। यहां पे काउंटिंग हो रही है और इमीडिएटली 12 वोट्स आम आदमी पार्टी के रख देते हैं खाने में, 16 वोट्स बीजेपी के उसमें रख देते हैं, और जो 8 वोट्स, जो टोटल 12+8 करके 20 आम आदमी की बननी थी, 8 वोट्स को साइड पे रख के जस्ट डिक्लेयर कि इनवैलिड है, और नए मेयर के कैंडिडेट को वहां पे बिठा दिया जाता है। मतलब लिमिट आज, मतलब डेमोक्रेसी को जिस तरीके से खत्म किया गया, मतलब मजाक फील हो रहा है कि मतलब बीजेपी ने जो आज दिखाया है, अनबिलीवेबल। तो कल इसकी हियरिंग कब है, किस टाइम? कल मॉर्निंग में हियरिंग होगी इस चीज की। देखिए, आज कोर्ट में मेंशनिंग की थी और रिट फाइल करने के लिए, तो कोर्ट ने वो मेंशनिंग अलाउ करते हुए केस की सुनवाई कल के लिए रखी है। तो वो जो अभी हमने फाइल किया है केस, जो आज डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो आज बीजेपी ने किया है, मतलब पूरा देश आज इस चीज को देख रहा था, तो वो सारा प्रोसेस हमने जिस तरीके से इन्होंने फ्रॉडुलेंटली इलीगली जिस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की है, मतलब लाइव टेलीकास्ट मीडिया में जब हो रहा था, तो उस सारे प्रोसेस को हमने चैलेंज किया इस रिट के अंदर कि, और साथ में हमने प्रॉपर प्रूफ्स वगैरह साथ में लगाए हैं, और इसके साथ ही हमने जो वीडियोग्राफी के ऑर्डर हाईकोर्ट ने किए गए थे कि वो सारी जो वीडियोग्राफी है उसको प्रिजर्व करने के लिए और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने प्रेयर की है। पिछली बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया डायरेक्शंस के अनुसार सारे इलेक्शन हुए आज, तो कुछ कोर्ट की कोई अवमानना भी हुई है किसी डायरेक्शन की जो आज इलेक्शन है? देखिये, कोर्ट की तरफ से सबसे मेजर जो डायरेक्शन थी वो थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज आपने देखा जिस तरीके से जब वोट काउंट किए जा रहे थे, सबसे पहला प्रोसेस जो था कि इलेक्शन एजेंट, जो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, हमने देखा भी वीडियो में देखा भी कि बोल रहे हैं कि हाँ ये एजेंट अपॉइंट किए गए हैं,
और जो प्रोसेस होता है, जो यूज जो जिस तरीके से काउंटिंग की जाती है कि अगर किसी भी वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन आती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो वो पहले जो एजेंट्स हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं उनको दिखाते हैं कि ये इसमें इनवैलिड, ये एक ऑब्जेक्शन है, और फिर उसके बाद ही उस चीज के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है।